मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको है कि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एक लेबोरेटरी टेक्निक है, जिसे कि किसी स्पेसिफिक डीएनए सैंपल को या डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये डीएनए सीक्वेंस ब्लड के अंदर या किसी टिश्यू सैंपल के अंदर हो सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर काटा जाता है और उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अलग किया जाता है, और इन डीएनए फ्रेगमेंट को किसी भी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन या फिर किसी भी मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर जेल की सहायता से ट्रांसफ़र कराया जाता है। सबसे पहले इसे डिस्कवर किसने किया? तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट E.M. सदर्न ने 1975 के अंदर इसे सबसे पहले जो है डेवलप किया, और उन्होंने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी डीएनए के जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है उनके लिए इस टेक्निक को डेवलप किया था, और इसलिए इसे जो है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक नाम दे दिया जाता है। प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इस प्रोसेस के अंदर मेनली जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा किसी मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये मेम्ब्रेन नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं उनका प्रॉब की सहायता से हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पर मीनिंग है कि यहाँ पर एक जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने लिया है और दूसरा जो प्रॉब है, उन दोनों के बीच में डबल स्टैंडर्ड जो है फॉर्मिंग होती है। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रॉब हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड हमने जो फ्रेगमेंट लिया था वो हो गया, यानी जो प्रॉब है और जो टारगेट डीएनए है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक होती है जो कि किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए काम में आती है। यहाँ पर हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं? सबसे पहले हम किसी भी सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद इसे प्योरीफाई करते हैं, देन इसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराया जाता है या फिर डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ लिया जाता है। उसके पश्चात इन डीएनए फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं, फिर डीप यूरिनेशन कराते हैं, देन डीनेचुरेशन करवाते हैं, उसके पश्चात ब्लॉटिंग, फिर बेकिंग, हाइब्रिडाइजेशन, और जो अनबाउंड प्रॉप्स हैं यानी जिन प्रॉप्स ने डीएनए सैंपल के साथ में किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाया है यानी अनबाउंड जो प्रॉप्स हैं उन्हें वॉश कर दिया जाता है। और लास्ट स्टेप जो है वो है ऑटो रेडियोग्राफी, यानी ऑटो रेडियोग्राफ जो है वो तैयार किया जाता है और वहाँ पर जो डीएनए हाइब्रिड है उसे शो किया जाता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाई गई है कि सबसे पहले हमारे पास में कोई जीनोमिक डीएनए है और उस जीनोमिक डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से हम इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं। अब ये डीएनए हमारे पास में एज ए फ्रेगमेंट हमें प्राप्त हो गए हैं, तो उसके पश्चात इसे जो है इन डीएनए फ्रेगमेंट का जो मिक्सर है इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने पर इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अलग हो जाते हैं। एगेरोज जेल का जो उपयोग है वो 20 किलो बेसिस जो साइज तक के फ्रेगमेंट्स हैं उनके लिए, और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल का यूज जो है उससे भी छोटे फ्रेगमेंट्स के लिए किया जाता है। 1000 से 2000 किलो बेसिस तक के फ्रेगमेंट्स के लिए एगेरोज जेल के साथ साथ हम प्लस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का उपयोग करते हैं।
जेल में छोटे साइज के खंड बड़े साइज के खंड की तुलना में अधिक मूवेबल होते हैं और वे जेल में ज़्यादा दूर तक माइग्रेट कर सकते हैं। उसके पश्चात एल्कली ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि डीएनए डीनेचर हो जाता है। अब डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल से एक नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पर ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसके लिए जेल को एक सूटेबल बफर से भीगा हुआ जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर और कुछ सूखे जो जनरल या सामान्य जो फिल्टर पेपर्स हैं उनकी एक स्टैक रख देते हैं। कैपिलरी एक्शन के कारण बफर नीचे के फिल्टर पेपर से जेल एवं नाइट्रो सेल्यूलोज में से होता हुआ जो सूखे हुए फिल्टर पेपर हैं वहाँ तक जाता है और बफर के साथ ही जेल में से डीएनए फ्रैगमेंट भी ऊपर आ जाते हैं और नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर से बाउंड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ब्लॉटिंग नाम दे दिया जाता है। नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर में डीएनए फ्रैगमेंट की वही रिलेटिव पोजीशन बनी रहती है जो कि जेल के अंदर होती है। अब नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर को वहाँ से निकाल करके वैक्यूम कंडीशन के अंदर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करते हैं जिससे डीएनए अणु फिल्टर से स्थायी रूप से बाउंड हो जाता है। बेक करने के बाद फिल्टर को एक जो स्पेशल सॉल्यूशन है उसे प्री ट्रीट कराते हैं। ऐसा करने से नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर से प्रॉब का नॉन स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं होता है। यह प्री ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है क्योंकि नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हाई एफिनिटी वाला होता है। प्री ट्रीटमेंट के बाद फिल्टर को एक सूटेबल रेडियो लेवल्ड सिंगल स्टैंडर्ड प्रॉब डीएनए के सॉल्यूशन में रखते हैं। एनीलिंग के लिए सूटेबल कंडीशन बनाए रखते हैं जिससे कि प्रॉब डीएनए केवल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं। इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉमनली शुरुआत के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है कुछ जो है स्ट्रिंजेंसी की दशाओं में होने देते हैं और बाद में जो स्ट्रिंजेंसी है यानी अभावग्रस्तता है बढ़ाते जाते हैं जिससे केवल कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले डीएनए फ्रैगमेंट से ही प्रॉब का पेयरिंग बचा रहता है। अब फिल्टर को कई बार सूटेबल सॉल्यूशन में रख सॉल्यूशन से वॉश करते हैं जिससे अनहाइब्रिडाइज्ड जो प्रॉब है वो रिमूव हो जाता है। अब फिल्टर को एक एक्सरे प्लेट के एक्सरे फिल्म के एकदम नियरेस्ट कांटेक्ट में रख करके इसे इनक्यूबेट करते हैं जिससे कि फिल्म पर रेडियो लेबल्ड प्रॉब मॉलिक्यूल्स के कारण इमेज बनती है और इस फिल्म को डेवलप करने पर उन साइट्स पर कुछ सूटेबल बैंड दिखाई देते हैं जहां पर प्रॉब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले डीएनए खंड जेल में उपस्थित रहे होंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी ये जो सदन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है या फिर सदन ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जैसे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए और जो ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स हैं उसमें से ट्रांसजीन का डिटेक्शन करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए, रेस्ट्रिक्शन साइट की मैपिंग करने के लिए और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है उनके डायग्नोसिस के लिए। उसके पश्चात कुछ जेनेटिक डिजीज हैं उनके पेरेंटल डायग्नोसिस के लिए या फिर जो कैंसर है उसका प्रोग्नोसिस के लिए। उसके अलावा जो मॉलिक्यूलर वेट के कुछ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हैं और
उनका जो रिलेटिव सैंपल है यानी बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर कोई डीएनए फ्रैगमेंट अगर प्रेजेंट है तो उस डीएनए फ्रैगमेंट को डिटरमाइन करने के लिए भी सदर्न हाइब्रिडाइजेशन या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ में लिया जाता है। थैंक यू।